और चलिए एक बार फिर से आपको बीकानेर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं और सर्किट हाउस की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आरटीआई जो एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नाम हो गया, अब हो सकता है उसका मिसयूज भी हो रहा है कुछ, अपन जानते हैं, पर असली मकसद तो अच्छा था ना। उसी रूप में हमारी प्रायोरिटी अब यह है कि हम इनकी तरह मैंने अभी एक ट्वीट किया था, मैंने कहा कि महंगाई कितनी बढ़ो बने, बीजेपी को ये भ्रम हो गया है कि महंगाई बढ़ने की परवाह मत करो, हम ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे, ये उनको भ्रम है। और उन्होंने लोगों ने रेस्पॉन्स अच्छा किया, मुझे भी कहने को पड़ता है कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही देश के अंदर, ये देश को किस दिशा में ले जाएगी कोई नहीं जानता है। और युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा, उनको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे आने वाला कल उनका है भविष्य देश के अंदर। चिंता लगी हुई हम लोगों को कि भाई अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं लोग, जितने लेखक हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार देश के अंदर, उनके अगर आर्टिकल पढ़ो तो मैं समझता हूँ कि पूरी पिक्चर सामने आ सकती है। कई लोग थक गए लिखते 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 थक गए, ये तो परवाह नहीं कर रहे। कांग्रेस क्या देखती थी, कोई घटना हो जाती थी लोग क्या कहेंगे ये सोच के हम फैसले करते थे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा, रेल मंत्री का इस्तीफा, कानून मंत्री का इस्तीफा, कोई पब्लिक है डेमोक्रेसी में लोग क्या कहेंगे वो ध्यान रखो, इनको लोगों से मतलब ही नहीं है, और धर्म के नाम पर लोगों को ये कर लेते हैं, ध्रुवीकरण कर लेते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा था कि हमारा एजेंडा जो है, चुनाव 2 साल बाद में यहाँ भी आ रहे हैं, अब करौली में आग लगाने का काम शुरू कर दिया इन्होंने, इनको इंस्ट्रक्शन है दिल्ली से कि राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है, जो 4 साल फैसले हुए हैं, पिछला बजट भी अच्छा था हमारा, तो इनको मालूम पड़ गया कि अब हमारे कोई दाल गलने वाले नहीं राजस्थान के अंदर, तो अब आप ध्रुवीकरण करो, हिंसा के उत्तर लोग उतर रहे हैं, जब आप उनको मैसेज नहीं दोगे। मैं बार बार मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए, गृह मंत्री, वो देशवासियों को संबोधित करें और उनको कहे कि किसी भी कीमत पर हम हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंसा करने वाले एंटी सोशल एलिमेंट है, हमारा कोई उनसे संबंध नहीं है, दो बातें तो कहे वो, उसमें क्या दिक्कत है, ये तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फैक्ट है कि भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। जिस मुल्क में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के नाम से आप चुनाव जीत के आए हो, तो आप बताइए कि हिंसा का कंडेम करने में तकलीफ क्या है, एंटी सोशल एलिमेंट करने में क्या तकलीफ है उनको। तो मैं आज भी मांग करूँगा बीकानेर में बैठ करके कि प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को चाहिए पूरे देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा और अहिंसा का माहौल बने, इसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि राज वो कर रहे हैं देश के अंदर, हम तो कह ही रहे हैं राज वो कर रहे हैं, उससे वो ध्यान नहीं बटवा सकते, हम लोग बराबर मांग करते रहे उनसे। हमें चिंता लगी हुई है, इतने धार्मिक उत्सव आ रहे हैं और जिस रूप में माहौल बनता जा रहा है, तो हमें पुलिस को 2 दिन तक हमने तमाम एसपी को कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ इस काम के लिए कहा गया है कि राजस्थान में किसी कीमत पर, चाहे कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो, किसी का आदमी हो, आपको खाली कानून का राज स्थापित करवाना है, शांति स्थापित करवानी है और कुछ नहीं करना है, आप कानूनी कार्रवाई करें, दोषियों को पकड़ें, सजा दिलवाएं उनको, पर राजस्थान में मैं चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश में हम लोगों की सरकार है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम चाहेंगे राजस्थान में शांति सद्भावना बनी रहे, चुनाव में कौन जीते कौन हारे वो अलग बात है, वो तो जनता माई बाप है उनके ऊपर निर्भर करता है, पर हमारा प्रयास रहेगा कि आज हमने जो कदम उठाए हैं शिक्षा के जगत में, राजस्थान देखिए आप तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएँ आ गई राजस्थान के, IIT आ गई, IIM आ गया, IIIT आ गई, एम्स आ गया, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आ गई, जगह जगह कृषि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, आपके यहाँ तो कृषि का भी है, टेक्निकल का भी है, और वो आपका एनिमल हस्बेंड्री का भी है, कोई और साधारण विश्वविद्यालय भी वो भी है, 4 विश्वविद्यालय आपके यहाँ भी है। कहने का मतलब ये कि राजस्थान भर में शिक्षण संस्थाएँ हो, हमने कॉलेज खोली 123 पिछले बजट के अंदर, 33 गर्ल्स की थी,
आज गर्ल्स जो है स्टूडेंट राजस्थान में बॉय से ज़्यादा हो गई है, मैं कहना चाहूँगा आपको, शायद के लोगों को मालूम नहीं होगा, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें लड़के ज़्यादा हैं लड़कों से भी। ये भी 20 साल हुआ है, पहले बहुत कम परसेंटेज पढ़ती थी लड़की, बदलाव हो गया। अब अंग्रेजी स्कूल हमारे शिक्षा मंत्री थे दोतासा जी, एक पहल करी, शुरुआत करी, आज इतनी पॉपुलर हो रही, लॉटरी खोलने पड़ रही उनके लिए, बच्चों के लिए कई गुना ज़्यादा डिमांड आ रही है उनकी भर्ती होने की सब जगह से। और कल मैंने एक वीडियो देखा होगा आपने, लड़का लड़की इंग्लिश में बात कर रहे हैं पूरी क्लासरूम के अंदर, वो पूरे सब जगह वायरल हो रहा है। तो आज बदलाव आ रहे राजस्थान के अंदर, वो हमारा एजेंडा है आगे का। हमारा एजेंडा स्वास्थ्य सेवाओं का, राइट टू हेल्थ, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले पूरे देश के अंदर। हम तो मांग करते हैं मोदी जी से भी, ज़माना आ गया 21st सेंचुरी का, पूरे देश के बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निस्तकजनों को, मजदूरों को, गरीब आदमी कोई जाति कोई धर्म का हो, उन सबको सोशल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी जापान में है, इटली में है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी आना चाहिए। एक मजदूर भी काम करता तो बिल्डिंग बनती, खाली मशीनरी बनती है, जब सही साथ नहीं देता उसका तो मजदूर बेचारा घर बैठ जाता है, घर की परिस्थिति पता नहीं क्या है, वो भूखे मरता है बेचारा। पेंशन हम देते 1500 रुपये 750 रुपये, क्या होता उससे, और बाढ़ सरकार देती 200 रुपये उसके अंदर, 200 रुपये जो मैं 20 साल से सुन रहा हूँ। तो क्या उनको खुद को आगे आके नहीं करना चाहिए, तो सोशल सिक्योरिटी वो करे, स्वास्थ्य शिक्षा में हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो 10 लाख का बीमा हमने किया है, एक्सीडेंट का बीमा 7 में कर दिया है, IPD OPD बड़ा काम है आपका, जो काम चिरंजीव योजना का है उसी रूप का IPD OPD का है, जिसमें अब आपका सरकारी अस्पताल में कोई पैसा लगेगा ही नहीं, चाहे कोई ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, पहले कुछ पैसा खर्च करना पड़ता था ऑपरेशन के वक्त में, वो भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब राजस्थान गवर्नमेंट चाहती है कि पानी के अंदर JJM स्कीम 50 रुपये ना पैसा हम दे रहे हैं, और भारत सरकार उसका प्रयास करते थे कि भारत सरकार अकेले ही कर रही हो, क्योंकि विज्ञापन का पैसा उनके पास है, मीडिया आपका जो परिवार है आपका और आपके मालिक लोग हैं सब दबाव के अंदर, इनकम टैक्स ED CBI के डर से हैं, वो भले लोग हैं, वो भी मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप के लोगों को, इतने डरे हुए हैं पता नहीं कब इनकम टैक्स घुस रहा है, कब CBI घुस रहा है, कब ED आ रहा है, उस चक्कर में मोदीमय हो गया, ये स्थिति है। तो आप बताइए फिर डेमोक्रेसी में क्या जाएगा, क्या होगा, ये खतरनाक माहौल चल रहा है। पानी हो, बिजली के अंदर हम लोग जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बने हैं, मांग बहुत पॉपुलर थी, रात को बिजली नहीं मिलनी थी किसानों को, 16 जिलों में पहले कर दी, अब बाकी जिलों में करने जा रहे हैं साथ, हर कदम हम उठा रहे हैं, एक्स्ट्रा उठा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं सोलर का भी अन्य भी, पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य चारों, और सड़कें शानदार आप देख रहे हो, अब थोड़ी बहुत गली पूछे में सड़क और भी ख़राब हो सकती है, मांग बढ़ती जाएगी, टूटती भी है, बाई एंड लार्ज पहले बहुत गुजरात पीछे थे, लोग कहते थे गुजरात से आते हैं कार में सो रहे हैं तो नींद खुल जाती, समझ लो राजस्थान आ गया, आज वो स्थिति नहीं रही राजस्थान की, शानदार नेशनल हाईवे बनी है, स्टेट हाईवे बनी है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड बनी है, गाँव की रोड बनी है, और सोशल सिक्योरिटी हम लोग जितना कर सकते हैं 90 लाख लोगों को हम लोग दे रहे हैं पेंशन अभी सब मिला करके, और जो हमने कोरोना काल के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने तो बाद में 50,000 की बात कही है, हमने यहाँ पर जो ऑर्फन बच्चे हो गए थे उनको पहले 1 लाख रुपये अविलंब, 2,500 रुपये पेंशन और 5 लाख रुपये मिलेंगे 18 साल होते हैं, उनकी विधवाओं के अलग पैकेज दिया हम, परिवार का अलग पालना योजना बच्चों को डाल रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी काम जो राजस्थान सरकार कर रही है हर क्षेत्र में, वो कोई सरकार नहीं कर सकती देश के अंदर, आज एकमात्र राजस्थान है जहाँ पर पूरी पब्लिक का बीमा हो गया है, आयुष्मान भारत में 1/3 होगा, आधा होगा, क्योंकि वो तो एक क्राइटेरिया है सोशल इकोनॉमिक सर्वे वाले का, हमारे कोई क्राइटेरिया नहीं, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए 10 लाख का बीमा है। और एक बात कहना चाहूँगा, अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, अभी नया फैसला किया मैंने 5 दिन पहले ही, या लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो 15-20 लाख लगते हैं, 15-20 लाख रुपये सरकार देगी अब उनके लिए, वो भी हमने कर दिया है कि पूरा पैसा अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीमारी दूसरी है जो हमारी कवर नहीं होती चिरंजीव के अंदर, बोन मेरो ट्रांसप्लांट है,
ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उन सब का खर्चा सरकार देगी। तो जो हमें करना था हम कर रहे हैं और यही हमारा एजेंडा अगले चुनाव के अंदर अध्यक्ष जी ने बना रखा है। अध्यक्ष जी ने पीसीसी की मीटिंग करी, अधिवेशन किया, इन्होंने जो मांग मुझसे करी हमने अधिकार मांगे मान ली वो पीसीसी की अधिवेशन की, क्योंकि अधिवेशन में कार्यकर्ता आते हैं, वो गांव वाले क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचती है, वो माइंड बना के आते हैं, वो फीडबैक हमें मिलता है, हम आगे भी प्रैक्टिस रखेंगे कि आम जनता क्या मांग करती है उस ढंग से अगला बजट भी आएगा। सर, सोशल सिक्योरिटी वर्सेज पोलराइजेशन, सोशल सिक्योरिटी की बात आप कर रहे हैं वर्सेज पोलराइजेशन की बात कहते हैं आप, कहते हैं भाजपा पोलराइजेशन करती है, ध्रुवीकरण करती है, तो क्या ये जो चुनाव अगला है जिस तरह से बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि भाजपा चुनावी माहौल बना रही है, तो अगला चुनाव क्या ये माने कि सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीच में जाएगी और भाजपा पर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे? उनके पास कहने कोई बात है ही नहीं, उनकी कोई उपलब्धियाँ नहीं है, वो तो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। कौन ने प्रदर्शन किया हमारे खिलाफ बताओ? क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी कि जगह जगह प्रदर्शन करते हमारे खिलाफ में 5-4 साल तक, आपकी ये कमी है, ये कमी, ये कमी है? वो तो खाली असेंबली में आके बोलते हैं खाली, बस कोई 5-6 उम्मीदवार बन गए उनके मुख्यमंत्री के, अगर एक व्यक्ति कोई हो तो उससे हम बहस भी करें, किससे बहस करें ढूंढना पड़ता है। जैसे आप जो कम्युनल हार्मनी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जो ऑर्डर्स आते हैं, जैसे अभी जोधपुर का, अजमेर का एक ऑर्डर आया जिसमें रमजान के टाइम में बिजली नहीं कटेगी, आप तो प्रयास कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी की, लेकिन जो जो दिख रहा है पब्लिक में वो अपीजमेंट टाइप दिखता है, बीजेपी इसी को बात सुनिए। आपको शायद मालूम पड़ गया होगा बाद में कि रमजान जी नहीं है, जब दीपावली आए हर त्यौहार के अंदर वैसे आदेश निकलते हैं, जो निकला आदेश वो जुदा बात है कि बीजेपी जैसे आदेश निकला, फॉर एग्जाम्पल करौली के अंदर वह घटना हुई, सारी दुकानें जली थी, जिस धर्म के लोगों की जली थी, मुस्लिम धर्म के लोगों की जली थी, अगर मैं खुला कहूँ तो हिंदुस्तान भर में मीडिया क्या दिखाया, सारी हिंदुओं की दुकान जला दी गई है वहाँ पर। तो जो पार्टी अगर ये धंधा करेगी कि आप सोशल मीडिया, क्योंकि आज उनका वर्चस्व है, धनबल इतना बड़ा उनके पास में, डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं वो लोग, एक तरफ चंदा ले रहे हैं, वो पूछने वाला नहीं कि पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड होते हैं उसमें ऑडिट होती है उसकी, आपने पीएम केयर फंड बना दिया, 4 ट्रस्टी बना दिया, कोई 500 करोड़ चंदा दे रहा है, कोई 1000 करोड़ चंदा दे रहा है उसके अंदर, कोई CAG नहीं, कोई RTI नहीं, वही लोगों ने ये बातें फैलाई है कि रमजान के ऊपर आपने अपीजमेंट, अपीजमेंट क्या करना, हर धर्म के जो फंक्शन होता है उस सब पे ऐसे आधे रूटीन नहीं काम कि भाई उस ध्यान रखो, क्योंकि धर्म में लोग आप खुद मौका देते हो, आप खुद हथियार दे देते हो उनको कि वो इस तरीके का काम करें, क्या उनको मौका तो इसी तरह के आदेशों से या इसी तरीके की प्रैक्टिस से मिलता है? हाँ नहीं, देखिए क्या होता है कि हम मौका नहीं देते हैं, मौका वो बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं वो। अब जैसे 144 है यूपी में लगी थी, हमारे लगी तो इश्यू बन गया, वहाँ कोई इश्यू नहीं बना। तो ये आपको हमको जो समझते हम लोग, आज आप लोग बैठे हैं हमारे साथ में, हम लोग बैठे हैं, तो ये तो पॉलिटिशियन है या प्रेस वाले, हम सब का धर्म है कि कैसे हम लोग गवर्नेंस में साथ दे रहे हैं, अच्छी गवर्नेंस हो, आपकी भूमिका उसके अंदर है, मैं तो मानता हूँ। तो जब वो भूमिका है तो हमें इन लोगों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। आज ये जो नशा चढ़ गया एक प्रकार से भाई कि कोई झूठ बात फैला दो बस और वो फैल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। सर, महंगाई को लेकर कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे की सरकार की क्या प्लानिंग है? क्या करें, महंगाई कंट्रोल को लेकर के क्या प्लानिंग है? महंगाई के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं उसको कैसे आगे चलाएंगे? देखिए, इन्होंने पूरा देश को ये लूट रहे हैं, लोग लूट रहे हैं। आप बताइए, पेट्रोल डीजल के अंदर यूपीए गवर्नमेंट थी तो 120 तक पहुंच गया था प्रति बैरल डॉलर, $120 पहुँच गया, तब भी 70 के आसपास रखा भारत सरकार ने, क्योंकि सब्सिडी दी, तेल कंपनियों को सब्सिडी देके वो भाव कम रखे, भाव तो बढ़ गए हैं,
तो तेल कंपनी ने भाव बढ़ाती, अभी बढ़ा रही वैसे। तो यूपीए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे करके 70 तक रखा उसको, अब 115 तक पहुंच गया है, भाव बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार को सब्सिडी देने की बजाय वो भाव बढ़ाना अलाउ कर रही है, जनता लूट रही है, जनता के लिए पैसा जा रहा है। तो आप इससे बात समझ रही है कि उनकी उनकी अप्रोच क्या, हमारी अप्रोच क्या थी, ये बात महंगाई बढ़ेगी। जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई की मार इतनी बड़ी पड़ रही है, और मुद्दा क्या देश के अंदर, महंगाई और बेरोजगारी, हाहाकार मचा हुआ परिवारों के अंदर, कि नौकरी चली गई, कि मीडिया वालों निकाल दिया गया, आपके मालिकों ने तनख्वाह आधी कर दी गई। अभी जिसकी 70,000 तनख्वाह मिल रही है पत्रकार को, और 30,000 मिले उसको, और बेचारे मजबूरी में जा नहीं सकता, वो भी हमारी तरह ही करते हैं, पॉलिटिशियन की तरह गवर्नमेंट कहता है इसकी ट्रांसफर बैंगलोर कर दो, ट्रांसफर चेन्नई कर दो, वो बेचारे हो जाएगा किसी ने एकदम तो टाइम पास करो जैसे भी है। तो ये इसलिए कर दिए वो भी 30 की बंदा, उसी रूप में वो चल रहे हैं। आप बताइए कि किस दिशा में जा रहे हैं वो लोग, और किसी को निकाल भी दिया है, बड़े बड़े पत्रकार निकाल दिया है। तो जो हालात हैं आपके सामने हैं, पब्लिक को समझाने की जिम्मेवारी आपकी है, पर मैं जानता हूँ आप यहाँ बैठे हुए हो, कितनी अच्छी बातें लिखोगे, जरूरी नहीं होगा छपेगी वो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। केंद्र के मंत्री और सीएम, क्या आप राजस्थान इस बार हार जाएंगे? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हो कि सोशल मीडिया पे वो लोग हावी और यूपी में उन्होंने जीता है, तो हम सोशल मीडिया पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? मतलब आप ऐसा वो लोग वहाँ झोंक रहे हैं, लड़ाई का जो अगर कोई भी साधन जो लड़ते हैं, सामने वाले दुश्मन पास कौन सा हथियार, उसके हिसाब से तो अपन उस पर कार्रवाई नहीं करके आप केवल ये शिकायत करते रहेंगे, तो इस तरह से तो हम राजस्थान के। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप ठीक कह रहे हो, कार्रवाई शुरू हुई है, हमने स्टेशन दिए हैं, जो भड़काने वाले काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कानून व्यवस्था बिगाड़ने काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ में ये आप एक्शन की बात करें, ये जो जवाब जैसे नेहरू जी को लेकर के और राहुल गांधी को लेकर जितना उन्होंने भ्रम फैलाया, क्या उन लोगों की ऐसी स्टोरियाँ नहीं है क्या? क्या अपना सोशल मीडिया या आपका जो कांग्रेस का सोशल मीडिया है वो ऐसा काम नहीं कर सकता क्या? वो लोग पेमेंट पे काम करते हैं, खानदान का असर पड़ता है। एक खानदानी आदमी होता है वो ढंग से बिहेव करता है वो समाज के अंदर, तो ऐसे तो सर एक खानदानी नहीं होता है, बात तो सुनो, वो ऐसे व्यवहार करता है। तो उनका खानदान हमारे खानदान में रात दिन का फर्क है, हमारे खानदान है त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का हथियार बना के, जेलों बंद रहे हमारे नेता लोग, पंडित नेहरू 10-12 साल से जेलों बंद रहे, आप सही बात पूरी रही है। और आजादी के बाद में भी इंदिरा गांधी शहीद हो गए, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बैंक इंडिया ने देश नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो शहीद हो गए, पर खालिस्तान ने बनने दिया, ये हमारा इतिहास है। ये क्या कर रहे हैं, परवाह नहीं करें पब्लिक की, तो धर्म का, धर्म की बात एक ऐसी कमजोरी होती है व्यक्ति की, धर्म और जाति उसमें वो आ जाते हैं। फिर जिस प्रकार मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो ये धनबल की राजनीति कर रहे हैं और जिस प्रकार इनका फासिस्ट तरीका है, ये बहुत खतरनाक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों को तकलीफ होगी, इसलिए हमारा तो ड्यूटी बनती है वर्तमान पीढ़ी की, हम सच्चाई कहें, कड़ी बात कहें, आज उनको समझ नहीं आए तो कल आएगी, पर देश बच जाए, हमारा ये मानना है। आखिर में मैं कहना चाहूँगा, लड़ाई हमारी कोई दुश्मनी उनसे भी नहीं है, हमारी लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है। हम चाहते हैं सरकारें तो आएगी और जाएगी देखो, परंतु विचारधारा जो है कांग्रेस की वो संविधान के अनुरूप है, लोकतंत्र के अनुरूप है, वो मजबूत होनी चाहिए देश के अंदर। वो फासिस्टी और जो इनकी हिंसात्मक जो इनकी सोच है वो कभी कामयाब नहीं होनी चाहिए धर्म के नाम पर, मेरा मानना है। बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर आप बहुत सीरियस हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, ऐसी एक संभावना है बीकानेर में अगर यहाँ पर पोटाश की माइनिंग शुरू हो जाए, उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में एक शेड्यूल का फर्क है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो अगर जल्दी दूर हो जाए तो राजस्थान में बहुत बड़ा, मतलब मुझे मालूम है हनुमानगढ़ में बीकानेर में पोटाश जो है वो हिंदुस्तान में सिर्फ यहीं पर है और कहीं नहीं है, ठीक है। अभी पोटाश इंपोर्ट करना पड़ता है, अगर ये निकल जाए तो हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ सकते हैं, परंतु ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा काम है। आपने जो बताया है उसको मैं दिखवा लूँगा कि वो कैसे ज़्यादा सक्सेस जल्दी, शेड्यूल का फर्क है सर मैं पता कर लेता हूँ। और एक बात जो रिफाइनरी छेड़ी दी आपने,
तो मैं इनकी अप्रोच बताना चाहूँगा कि देखिए, जब जब सरकार हमारी बनती है, हम कोई उनके काम चलते हुए बंद नहीं करते हैं। जैसे ERCP है, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, उनका बनाया हुआ सुंदर जी का है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मेरी लोकप्रिय मुख्यमंत्री BJP के MLA ने मुझे कहा है ERCP के बारे में, मैं सकारात्मक सोच रखूँगा इसके बारे में, एग्जाम भी पूरी करवा रहा हूँ, पूरी मैंने मेरे सोशल मीडिया में डाला, अभी छपा भी होगा। तो जो प्रधानमंत्री दो बार बोल चुका है, राष्ट्रीय परियोजना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? 16 योजनाएं चल रही देश के अंदर, 17 साल जाएगी। राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके हैं, पानी नीचे है नहीं, खारा पानी है। आप बताइए, 13 जिले इम्पोर्टेंट हैं ईस्टर्न राजस्थान के, इधर इंदिरा गांधी कैनाल आ गई हमारे लिए, तो उधर तो वही योजना है। सिर्फ 40,000 करोड़ का मामला था, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर के हैं, इनको पूछो तुम काय के केंद्रीय मंत्री हो। केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री, उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट योजना जो है जोधपुर जा रही है, पाली बाड़मेर जा रही है, वहाँ भी 1500 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको खुद का क्षेत्र हुआ है, उनको आगे आगे मदद करनी चाहिए थी। कोई जमाना 90-10 था रेशियो, 90% देती थी भारत सरकार, अब आधा आधा कर दिया है, बताइए आप। तो आप बताओ, जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट है, और आप बड़ी बहादुरी आँख रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूँगा, राजनीति से इस्तीफा दे दूँगा, वो तो हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। और जो पूरा दोनों वीडियो सामने आ गया है, तो फैसला उनको करना, हमें तो करना नहीं है। तो ये स्थिति जब बनती है एक मंत्री की, अगर मान लो प्रधानमंत्री नहीं भी कहते, तो क्या प्रदेशवासी ये एक्सपेक्ट नहीं करते केंद्र से? 25 MP हमने दिया आपको जिता करके, हमारा केंद्रीय मंत्री बन गया जल संसाधन मंत्री, तो कम से कम एक परियोजना को तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाए। इतनी भी उसकी औकात नहीं है, तो काय का मंत्री वहाँ पर फिर है? जो प्राइम मिनिस्टर कन्विंस नहीं कर सके, प्राइम मिनिस्टर का बोला हुआ शब्द है, अलग कर दो उसको, तब भी उसकी इतनी हैसियत होनी चाहिए कि भाई मेरा एक खुद का रास्ता का मामला, प्रधानमंत्री जी इसको तो हमें करना पड़ेगा। ये तो वजह है, 40 साल के इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे वक्त पहले MP बनते थे, मैं खुद MP था। आज ये ब्रॉडगेज आपके, इंदिरा गांधी कैनाल, लिफ्ट कैनाल, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, क्या नहीं हो राजस्थान के अंदर? राजस्थान का नक्शा बदल गया आज, इतनी सस्ता है राजस्थान में, जो प्रतिष्ठित संस्था थी पंडित नेहरू के ज़माने की, मैंने कहा IIT, IIM, IIIT, AIIMS किसको कहते हैं? और इनको पूरे तुमने किया क्या है 5 साल के अंदर बताओ? एक पानी का मंत्री, पानी योजना के लिए पैसा हमें खर्च करना पड़े, और ERCP तो 13 जिले की योजना इनकी बनाई हुई, इनकी पार्टी की, इनकी सरकार की बनाई है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा मेरी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री टाइम तो दो मिलने का उसको, कोई नहीं दे रहे हो। 6 मुख्यमंत्री बना दिए वहाँ पर। सर, वो केंद्रीय मंत्री से जुड़ा हुआ एक सवाल है। बोलो बोलो लक्ष्मण जी, आप प्लीज। सर, उन्हीं केंद्रीय मंत्री का बयान आया है कि मुख्यमंत्री के समर्थक खैर मनाए, यदि मैं सत्ता में आ गया तो 4-5 IAS IPS ऑफिसर जेल में होंगे। उन्हीं केंद्रीय मंत्री का, जिनकी बात आप कर रहे हैं, जो CM, उनका एक बयान आया है कि मुख्यमंत्री के समर्थक जो है वो खैर मनाए, यदि मैं सत्ता में आ गया तो 4-5 IAS IPS जेल में होंगे। सत्ता में कौन आ गया? खुद के लिए कह रहे हैं वो, भाजपा में अगर वो मुख्यमंत्री सीएम बन गए, अगर मैं सीएम बन गया तो 4-5 IAS IPS बंदे डाल दूंगा, तो वो राजनीति छोड़ रहे क्या? उनको पूछो, तुम्हारा विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है, तुम मुख्य किरदार थे सरकार गिराने वालों के अंदर, इतनी श्रम भी नहीं आएगी? जोधपुर का एक MLA मुख्यमंत्री राजस्थान का है, उसके बावजूद भी उसने जोधपुर वासियों की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा। जोधपुर का मुख्यमंत्री था तब भी उस व्यक्ति ने मुख्य किरदार निभाया, अमित शाह के साथ मिलकर के हमारी पार्टी में तोड़फोड़ करी सरकार गिराने के लिए। 34 दिन तक हमें होटलों में पड़े रहना पड़ा। कोई मुख्य दोषी है तो ये आपका केंद्रीय मंत्री है जो जोधपुर का है, वो किस मुँह से ऐसी बात बोलता? कौन बनने देगा उसको? वो मुख्यमंत्री सपने देखता है, वो तो जेल में खुद उसको जाना चाहिए था। जो आदमी सरकार गिराने में देशद्रोह कर रहा था, जेल में उसको रहना चाहिए था, पर क्योंकि केंद्र सरकार उनकी है,
इसलिए वो जानबूझ करके दबाव बनाए। हमारा जो ओएडी था पब्लिसिटी वाला, उसके खिलाफ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसे मुकदमा करवा दिया दिल्ली में, क्योंकि पुलिस उनके कंट्रोल में है दिल्ली के अंदर। लोकेश शर्मा के खिलाफ में मुकदमा दर्ज हुआ दिल्ली के अंदर इसको लेके, और जिसमें वो अपनी आवाज़ नहीं दे रहा है, उसको को कृपा करके आप इतने ही बनते हो मुख्यमंत्री बने के उम्मीदवार, अपनी आवाज़ वॉइस तो दे दो टेस्ट के लिए सरकार को, जो मांग रही सरकार। उल्टा सवाल करते हैं कि आप अपने लोगों के मांगे, ये भी कहते हैं निजता का अधिकार था क्या? उल्टा सवाल करते हैं, जब उनसे सवाल पूछा हमने भाई कि आप वॉइस टेस्ट क्यों नहीं देते, तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री अपने लोगों का वॉइस टेस्ट कराए, और साथ ही साथ कहते हैं कि निजता के अधिकार का उल्लंघन किया सरकार फोन टेपिंग। उल्टा चोर क्या कहते, वो तो जो जिन्होंने किया है, जो जो आया मार्केट के अंदर, वो मार्केट में कहाँ से आया? ये टेलीफोन में बात कर रहे थे, तीन लोग बात कर रहे थे, वो फ़ोन किन के नाम के देंगे पूछो, जिनसे तुम बात कर रहे थे वॉइस टेस्ट देने में तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है? तुम जिस फ़ोन से बात कर रहे थे वो फ़ोन तो तुम्हारा नहीं था, और वही फ़ोन का बाद में लीक हो गया, उनके ड्राइवर ने किया, उनके नौकर ने किया, किसने किया होगा वो तो वो जाने। मैजिक क्या था सर, पोजीशन जाने, और उसको ऊपर केस दायर हमारे ऊपर कर दिया। तो जिस आदमी करेक्टर ये हो कि जो आदमी सरकार गिराने में मुख्य किरदार था, वो आदमी खाली अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो नाटक कर रहा है वहाँ पे केस करके, उनको जवाब देने को, जो कौन सी वो एक सोसाइटी है कोऑपरेटिव, संजीवनी, संजीवनी, संजीवनी में उसकी भूमिका क्या वो बताएं जनता को? हजारों बेचारे लोग जो है डूब गए बाढ़ में जोधपुर के अंदर, हजारों लोग डूब गए, मुझसे आके मिलते थे हमें पैसे दिलवाओ, अब मैं कैसे पैसे दिलूँ उनको? उनको पूछो आप ईमानदारी से बताएं आकर के पब्लिक को, तुम्हारी भूमिका संजीवनी में क्या थी? संजीवनी के जो पांच लोग जेल में बैठे हैं उसमें तुम्हारी भूमिका क्या थी वो बताए जनता को, अगर आप पाक साफ हो बताए वो, कि आपके पैसे जो इन्वेस्टमेंट किए हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इथोपिया के अंदर, वो पैसे कहाँ से आए? आपका यहाँ पे जो बिजनेस वगैरह जो भी होगा, पूरी गैंग बनी हुई थी इन लोगों की, लूट लिया पब्लिक को बेचारों को, उससे थोड़ी पब्लिक को मालूम था कि ये केंद्रीय मंत्री तक कौन जाएगा और ये हमसे लूट जाएंगे। अब उसकी हैसियत होनी चाहिए कि उसे बुला के बातचीत करे और उनको पैसा वापस चुकवाए, उसकी हैसियत है चुकवाने की, तो गरीब आदमी का पैसा क्यों चुकवा रहा वो, लोग दुखी हो गए बेचारे। आज वो पूरा एक्सपोज उठ गया राजस्थान के अंदर। सर एक सवाल लोकल ये है कि बीकानेर की रेलवे क्रॉसिंग समस्या को लेकर पिछले 15-20-25 सालों से लगातार 40 साल में खुद बोल रहा हूँ, पहले कर रहा हूँ, हमारा बस चला तो हमें 61 करोड़ में जमा भी करा दी है अलग से ADB का, क्योंकि फाटकों की समस्या मुख्य समस्या बीकानेर की है। उसके बाद में 1 करोड़ रुपये हमने डिपोजिट भी करवा दी थी, जैसे कल्ला जी को मालूम है। अब उसके बाद में सरकार बदल दी, आप बार बार सरकार बदलते क्यों मेरी? अगर आप नहीं बदलते, अगर आप नहीं बदलते उस वक्त में, अभी तक तो ये आपके बन जाते हैं, सरकार बदलते थे बार बार। अब इस बार एक बार नहीं बदलते हैं सरकार, इस बार नहीं बदलते, देखो फिर देखो आप, इस बार हम दिमाग बात सुनो, इस बार हम भी चाहते हैं कि भाई दो बार सरकार नहीं ला पाए हम लोग, इस बार सरकार पब्लिक से हम आह्वान करेंगे, इस बार आप इनके झांसे में नहीं आए, इनके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भड़का रहे लोगों को, उससे ना महंगाई कम होने वाली है ना कोई बेरोजगारी खत्म होने वाली है सर। तो कृपा करके इस बार सरकार रिपीट करो हमारी, फिर देखो हम क्या करते हैं आपके। अभी कर्मचारी जो है बिना मांगे हुए हमने मानवीय दृष्टिकोण से अगर वो 35 साल सर्विस करे आदमी, बुढ़ापे में देखे यार कि पता नहीं पेंशन पैसा तो शेयर मार्केट में गया हुआ है, वो पैसा पता नहीं शेयर मार्केट नीचे गया या ऊपर गया, तो यूक्रेन की तरह को युद्ध हो गया तो उसका क्या होगा, तो पेंशन कितनी मिलेगी मुझे नहीं मालूम। तो बेचारा 35 साल तक टेंशन में काम करते हैं, तो गुड गवर्नेंस कैसे होती है हमारी, या किसी पार्टी सरकार हो, गुड गवर्नेंस के लिए अगर हम कर्मचारियों को ध्यान नहीं रखें तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हमने जानबूझ के बगैर उनकी मांग के
बगम की मांग की हम लोगों ने, इतना बड़ा फैसला किया पूरे देश के अंदर, उसको वेलकम करें लोगों पूरे देश के अंदर। सर एक सवाल है मेरा, आपने जो बजट है वो भी काफी अच्छा पेश किया है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, जनता भी आपके साथ हो रही है और प्लानिंग भी अच्छी है। मेरे तो ये सवाल है साहब, आप जो अपने अंदर जो पार्टी में उनसे आप कैसे लड़ेंगे, जो माहौल जो चल रहा है, गुटबाजी जो है, यार क्या गुटबाजी, बाकी लोग भी जो चला आ रहा है वायलेंट की बात। हम ये सवाल ये है, क्या कांग्रेस के अंदर में जो चल रहा है उसको लेकर हमारी पार्टी पूरी तरह एकजुट है? आपको जो लग रहा है देश के अंदर भी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राहुल गांधी जिस प्रकार से मोदी जी का मुकाबला कर रहा है, एकमात्र नेता ये तो आज विपक्ष मान गया है कि एकमात्र कोई बोल रहा साथ साथ से मोदी जी के खिलाफ में, हिम्मत करके वो जो देश के लिए देशवासियों के लिए किसी भी हद तक जाने के तैयार रहता है। अब उसको इमेज आप अगर किसी पंडित नेहरू की इमेज को क्या कर रहे हैं आप लोग, तो सब बुद्धिजीवी लोग हो। एक व्यक्ति जो पहला प्रथम प्रधानमंत्री था, वो जिस रूप में आज देश के अंदर शुरुआत करी, देश के अंदर बड़े बड़े बांध और कल कारखाने नहीं बनते, आज पाकिस्तान इधर हम भी और लोग निर्भर रहते, आज हम तरव खड़े हैं, मोदी जा रहे हैं दुनिया के मुल्कों में, तो मान सम्मान इसलिए हो रहा है क्योंकि तो देश आत्मनिर्भर है, मजबूत है डेमोक्रेसी के हिसाब से, 70 साल से साइंस में टेक्नोलॉजी में सब कुछ उपलब्धि हासिल करी है और पूरी दुनिया में इनका सम्मान है देश का। क्यों सम्मान है, कोई मोदी जी के 5 साल में 3 साल में हो गया सम्मान क्या? मोदी जी ने कभी नाम लिया इंदिरा गांधी का कि उन्होंने देश के लिए शहीद हो गए? वो राजीव गांधी जी का नाम लिया क्या? एक प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है कि वो कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री की बात तो करें उपलब्धियों की, आप उनकी इमेज खराब करने में लगे, तो रात दिन का फर्क है। राहुल गांधी और सचिन पायलट की जो मुलाकात हुई उसके बारे में क्या है? राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात हुई पिछले दिनों बताई हुई है दिल्ली में, मैंने वहाँ अभी कोई कैमरे फिट नहीं कर रहे मेरे पास कैमरा नहीं है कि मैं वहाँ क्या हुआ जो मैं बताऊँ। राहुल जी जैसे रशिया यूक्रेन का कहते हैं कि इंडिया और थैंक यू नमस्कार। सुन रहे थे मीडिया के तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया और मीडिया से मुखातिब होते हुए वो उन्होंने तमाम उन मुद्दों को भी उठाया जो इस समय के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। अभी तस्वीरें जरा देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें हैं, बीकानेर के दौरे पर वो रहे और बीकानेर के दौरे पर वो है और ऐसे में जनसुनवाई उन्होंने की, लोगों की फरियादें उन्होंने सुनी, बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी फरियाद मुख्यमंत्री तक लेकर पहुंचे और ये वो तमाम तस्वीरें थी जनसुनवाई के दौरान की जो ये बता रही थी कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं थासू दूर को नहीं, उसी को साक्षात करते हुए ये तस्वीरें थी। अब उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने दिया, समसामयिक घटनाओं को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, साथ ही केंद्र सरकार को भी घेरते हुए वो नजर आए, बीजेपी पर प्रहार करते हुए नजर आए और ये तमाम मसले तमाम मुद्दे जिन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी है मीडिया के समक्ष। करौली हिंसा पर भी बोले मुख्यमंत्री और कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, प्रदेश में सिर्फ कानून का ही राज चलेगा, हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, हिंसा पर पीएम गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, हमारा एजेंडा राइट टू हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, स्वास्थ्य शिक्षा में प्रदेश को और आगे बढ़ाएंगे, प्रदेश में कई शिक्षण संस्थाएं खोली जाएगी, राजस्थान में जो बदलाव आ रहा है वो हमारा अगला एजेंडा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश में खतरनाक माहौल चल रहा है, महंगाई की परवाह किए बिना ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, धन बल पर लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है भाजपा सरकार, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, देश को लूट रही है केंद्र सरकार, तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है।